अरे माफ कर दे के कोई फायदा जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ना ये तुम्हें उस पे दिखेगा तोरो मोरो अच्छा अच्छा कोई बात अकेले रहते हो तो तुम बहुत दुखी आत्मा हो मेरे जैसे क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ और अकेले रहना बहुत हार्ड है तो फिलहाल अभी यहाँ से हम चलते पहले मंदिर तो मंदिर जाने के देखो भाई सो के उठ गया अभी डायरेक्ट चल जाता ऐसे बहुत पाप कर रखे तो मेरे को लगता है कि डायरेक्ट मंदिर जाना चाहिए उसके बाद आप लोग कैसे कंटिन्यू होगा उससे पहले एक चीज़ तुम्हें दिखा रहा ठीक है अभी वेट करना देखने चीज़ दिखा रहा तो हमारे पास एक हमारा छोटा सा डॉगी है ये अभी न्यू बेबी है मीन्स की बहुत छोटा भी था अप्रॉक्स 35 to 40 days का ये ठीक है ये कितना प्यारा है देखो हे कॉमरेड कुछ बोल बोल ले कुछ बोल ना ये थोड़ा सा डरा हुआ है अभी ये थोड़ा पैनिक हो जाता है तो वीडियोज में मेरे साथ ये भी रहेगा मेरे जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ना ये तुम्हें उस पर दिखेगा जैसे वो मेरी बैक पे रहेगा ठीक है और ये इतना प्यारा मैं इसको कुछ भी करूँ ना ये खेल रहा है नींद में रहता है हमेशा इसको वो दिक्कत ये बहुत सोता है ये ठीक है तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मंदिर क्योंकि ये भी न्यू है तो इसका फुल पैर वैर गीला है क्योंकि अभी पानी में सो गया था इसको जैसे भी कर लो ना ये ऐसा रख लो तो ये ऐसा हो जाता है ठीक है ये मीन्स कि तुम्हें बच्चों जैसा ट्रीट करेगा ये होता है ना बहुत लोग डॉगी का क्या होता है कि ऐसे उल्टा कर लो तो वो लोग उल्टा पुल्टा हिलने लगते हैं कि भाई दिक्कत हो रहा है ये बिल्कुल ये ऐसे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं मेरा पूछू मेरा बच्चा ये ऐसा हालात है इसका देखो ये बहुत खुश रहता है ये मीन्स कि मेरे साथ रहता ना ये बहुत खुश रहता है ना मेरा बच्चा तो इसका ओनर मैं हूँ ठीक है ये मेरे साथ रहेगा अभी वीडियो में यहाँ से हम लोग चल रहे हैं मंदिर पहले मैं नहा के आता उसके बाद उसको पहन लूँगा और उसको मैं वापस उसकी जगह पर रख देता हूँ फिर चलते हैं नौ मंदिर ठीक है स्टेडियम अच्छा आ जा बच्चा मेरा सो मैंने डॉगी को अपने रख दिया पूरा फिट कर लेता हूँ ये मेरे पास एक और दो तीन हेलमेट हेलमेट है मेरे पास मतलब तो पहले गोप्रो फिट कर लेता उसके बाद निकल जाऊँगा ठीक है ये रहा गोप्रो का इक्विपमेंट तो भाई जब मैं गोप्रो यूज़ करता इसलिए ना क्योंकि देखो मेरे पास डी जी आई भी है ठीक है मेरे फ्रेंड के पास है मतलब डी जी आई इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि डी जी आई का प्रॉब्लम ये है ना कि डी जी आई अच्छा देता है बट वॉइस क्वालिटी बहुत गंदा है उसका डी जी आई का तो फाइनली मेरा सेटअप रेडी है तो अभी मैं नहाऊंगा और नहा के चलता हूँ फिर वहाँ मंदिर तो आता फिर फुल सेटअप पहन के चलूँगा यहाँ से लोग निकलेंगे भाई तभी ये देखो ये भी मेरा हेलमेट का वाइजर है ये वाइट वाला वाइजर देखो फुल्ली न्यू है अभी इसको मैं अनबॉक्स तो अभी कर लिया और मीन्स कि ऐसा 3-4 हेलमेट है ऑलरेडी मेरे पास ठीक है तो अभी इसको मेरा अभी गोप्रो सेटअप हो गया तो भाई अभी हम लोग निकलेंगे मंदिर की ओर तो भाई साहब चलो ये अच्छा तो दिख रहा पर तो भाई बहुत मेहनत है खाना वाना बनाना पड़ता है तो मैं खाना वाना सब बना लिया खाएंगे और मंदिर निकले नहीं विदाउट खाए मंदिर निकले मैं खाना बना दिया भाई बहुत ही आसान होगा बैचलर लाइफ बट मेरे लिए बिल्कुल नहीं है तो मैंने खाना वाना बना रखा है देखो अभी ये बहुत गर्म है ठीक है तो अभी मैं खुद के लिए तो बनाता है अपने डॉगी के लिए भी बनाता है ये मेरा चावल बन रखा है धीरे सब रखा है अभी इसमें हमको दाल बनाना ही है तो बैचलर लाइफ एज अ मोटो ब्लॉगर के लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता जिनको लगता है कि मैं बहुत एकदम सेक्सी लाइफ जीता एज अ मोटो ब्लॉगर भाई गलत फहमी में ठीक है तो जब अकेले रहोगे ना ऊपर से 3-4 जब भी रूम रहेगा आपके पास फंस जाओगे चारों साफ करना पड़ता है खाना बनाना पड़ता है दो लोग का खाना खुद से बनाओ अभी यहाँ से मैं ब्लॉगिंग के लिए जाऊँगा फिर आऊँगा फिर एडिट करूँगा फिर बनाऊँगा रात में फिर खाऊँगा फिर बहुत कुछ है भैया ऑनलाइन इधर भाई हर 7 दिन के बाद टैंकी फुल कराना पड़ता है मेरे को भाई साहब इधर का स्कैम देखते हैं अभी बहुत लोग कहते हैं इस पेट्रोल पंप पे स्कैम होता है फुल कर दीजिए बाइक में फुल 960 लीजिए भैया तो फाइनली टैंक हमारा फिर से फुल हो गया अभी ग्लव्स खोल के चलाऊंगा भाई विदाउट बड़ा दिक्कत होता है ग्लव्स पहन के हो गया भैया तो पेट्रोल फुल करने के बाद देखते हैं भाई कितना का माइलेज फिर से देती है पिछले दफ़ा तो ये आई थिंक 196 में फुल पेट्रोल ओवर हो गया था अभी देखते हैं कितना जाता है ये शो करेगा ना ये 0 लिखा हुआ इसलिए अभी तो चलो सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक कैट बाइक कर तो भाई आज हम लोग देखो पहली बात तो ये
इतना भयंकर आवाज़ कर, आई थिंक मेरे को लगा कि उनका स्कूटर गिरा। तो सीन ऐसा है ना कि आज का कि देखो भाई सब लोग ट्रिप कर रहे हैं, बाहर बाहर जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, बट मंदिर कोई नहीं जा रहा। तो जो कोई नहीं कर रहा वो हम करेंगे। गाइस भी हम लोग इधर से जा रहे हैं बिहार के सबसे शक्तिशाली मंदिर करौटा मंदिर, का नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर आप बिहार से हो। तो बहुत कुछ मंदिर को दिखाता नहीं है वीडियोस के थ्रू कि यार शक्तिशाली मंदिर है, आप लोग भी देखो विजिट करो। लोग ये बताते हैं लद्दाख जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो मैं चलो आप लोग को लेके चलता हूँ उस करौटा मंदिर में। जय माता दी। बस पुलिस ना पकड़े माता जी, आपके दरबार आ रहा है इसलिए, क्योंकि विदाउट नंबर है पीछे मेरा बाइक एक और V4। ओ माई गॉड, ला 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 ला, जयदेव जयदेव। भाई देखो मेरा एक ही सजेशन है, हाईवे पर अगर चल रहे हो ना भाई, एकदम ट्रक वाले से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, और ऑटो वाले से तो स्पेशली, वो कब टर्न लेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये NH हो जाता है। तो नेशनल हाईवे पे भाई बहुत सेफ्टी लेके चलना, और बस इन जैसे नमूनों को देखते रहना विदाउट हेलमेट NH पे चल रहे हैं। कभी भी मंदिर आओ ना, मीन्स कि देखो ट्रिप करना है ना तो पहले आप लोग, मीन्स कि मेरा ये सजेशन है, मैं तो भाई मंदिर ज़्यादा पे विजिट कर रहा हूँ। और एक चीज़ पता है भाई, आप लोग ना लाइफ में करो या ना करो, एक लाइफ में दबदबा बनाओ, कभी भी टोल टैक्स पे आपको टोल ना देना पड़े। इतना नाम बना लो ना, टोल के बगल से गुजरो ना, वो आपसे टोल ही ना ले। देखो जैसे कि मेरा वो टोल नहीं लेगा, टोल क्यों नहीं लेगा ये सबके माइंड में, भाई मेरा बाइक है मैं लेफ्ट से चला जाऊँगा, राइट से तो भाई टोल ले ही लेगा ना, मैं बाइक से चलूँ तब भी। तो देखो इधर तो उससे टोल नहीं लेता भाई, अगर कार चलूँगा तो वो टोल ले लेगा, और नहीं दूंगा तो वो मारेगा अलग लेवल से मेरे को, तो वो रिस्क वस्क नहीं लेना है मुझे। तो सीधा इधर से भाई हम लोग निकल गए और आराम से करौटा मंदिर के रूट में निकल पड़े। तो भाई देखो इनडायरेक्टली नेचुरल चीज़, ये नेचुरल हवा इधर आता है इसलिए इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, सारे साइड ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, बट हमारे ये शहर में नहीं है, ये करौटा जाने वाले रूट में, ये इधर मीन से गाँव पड़ता है वो बात अलग है, बट हमारे शहर में सिर्फ बिल्डिंग मिलेगी, तो फ्रेश हवा नहीं मिलेगा। तो फ्रेश हवा की ज़रूरत है बट हमें, क्योंकि हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है अभी वाले जनरेशन का, परेशान रहते हैं वो लोग तो। अरे मक बच गया भाई, बच गया बच गया। वो भयंकर सीन था, वो ऐसे क्रॉस करेगा, बच गया, भयंकर है वो। दुआ करो कि मेरा ABS भयंकर है भाई, यामा का ABS देख लो, बच गया डॉगी, निकल गया वो उस, नहीं तो अगर स्पीड में रहता ना उसके ऊपर से गुजर जाता। सो कोई बात नहीं, ये सब तो होते रहता है, बट वो कार वाले के चक्कर में वो ऐसे क्रॉस कर गया। चलो कोई नहीं, वो डॉगी भी उस साइड क्रॉस करके चला गया सेफली, और हमें भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ब्रेकिंग बहुत भयंकर है यामा का, तो यामा तो ऐसे भी ब्रेकिंग के लिए जाना जाता है। और इसलिए तुम लोग ने, जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई यामा का ब्रेकिंग दिखाओ, बहुत वीडियोज़ में भी था पहले भी, तो इनडायरेक्टली देख लो भाई क्या ब्रेकिंग था इसका। बच गया वो भी और बच गया हम भी, मीन्स कि देखो ABS का ये सीन होता है ना, बाइक आपका स्किट नहीं करेगा, और नन ABS का ये होता है ना, मारोगे ना ब्रेक वो आपका बाइक शेक करके गिर जाएगा, बट हमारा ये भाई कितना भी तो हमारा जान है बाइक। तो चलो फिर अभी करौटा के लिए निकलते हैं, सेफ राइड करो, कहीं भी जाओ सेफ राइड करो, इजली 80 से ऊपर मत जाओ, 80-90 जाओ, 100 टॉप स्पीड रहता है, इनडायरेक्टली समझो रोड स्पीड भी 100 रहता है, ठीक है, स्पीड लिमिट रहता है रोड पे ना, तो वो 100 हार्डली रहता है, तो आप 80 पे ही चलो, कॉज आप सेफ रहोगे। जैसे कि अभी पीछे तुमने देखा ही कैसा ब्रेकिंग लगा मेरे से, तो अगर आप 120 ओवरटेक करोगे किसी को भी ना, तो वो प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए 80-70 उतना ही चलो जितना आप ब्रेक ले सकते हो, और अपना जितना बैलेंस है उतना ही चलो, ओवरटेक ना करो किसी को भी, क्योंकि आपको भी दिक्कत है, सामने वाले की भी दिक्कत है, कोई रहे भाई एनिमल रहे इंसान रहे, जान है भाई उसका भी दिल धड़कता है हमारा भी दिल धड़कता है, तो आराम से आओ और घूमो फिरो। फाइनली हम लोग करौटा मंदिर पहुंच चुके हैं, अब देखना इधर का हालात कैसा है। पहला चीज़ ना, कभी भी तुम बाइक मत रोकना, ये लोग गेट पे रुकवाते हैं, ठीक है, इसलिए गेट पे मत रोकना, क्योंकि सब लोग आपको रोकेंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है, रोकना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि ये लोग दिमाग लगाते हैं ना कि भाई ट्रैवलर देख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्या नहीं नहीं पार्किंग नहीं करना, हाँ हाँ पार्किंग नहीं करना, हाँ ना ना मेरा करना ही नहीं, आप तो थोड़ी मेरा चल रहा है सब कुछ, तो इधर का वही चलता है, इधर का हालात ही ख़राब रहता, तो भाई अपना सेफ्टी देखते हुए आओ इधर, और लोग ऐसे बदतमीजी करेंगे तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना, और बाइक एकदम इधर साइड में आके लगाना है, देखो जैसे कि देख लो इधर, ठीक है, तो ऐसा करके लगाओ, और फिर जो सामान लेना है ले लो, फिर पूजा कर लो।